गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिंपल पारे फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर बेटा वैसे हमारे काफ़ी लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपके हटवा दिए थे, अर्थात मैंने छुड़ा दिए थे। तो लेसन नंबर जो फर्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर थे वो थे भाषा व्याकरण से संबंधित। बेटा भाषा व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको नहीं करवाए थे। वो इसलिए नहीं करवाए थे कि आपको व्याकरण से संबंधित पहले आपको कुछ पढ़ाना चाहती थी, उसके बाद में मैं इन सब चीज़ों को आपको करवाने वाली थी। तो बेटा आज हम जो है भाषा व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर जो अपन ने छोड़ दिए थे पहले, आप अपने व्याकरण से संबंधित कुछ अपन ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो बहुत थोड़ा बहुत हमने उसके बारे में जान लिया है। तो बेटा ये भाषा व्याकरण वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखे थे बेटा, पहला क्वेश्चन है आपके कि दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द जानते हैं ना कि एक ही शब्द के जिसके हम अनेक नामों से जिसको जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे पहला जो शब्द है वह क्या दे रखा है हमारे इधर, मछली। क्या दे रखा है बेटा, मछली। तो मछली से संबंधित दो कोई भी आपको पर्यायवाची लिखने हैं तो आप क्या लिखेंगे, मीन। मीन का मतलब ही मछली होता है, और मत सत्य, ये भी क्या है, मछली का ही दूसरा नाम है। फिर आपने धरती, तो धरती को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं और धरा बोल सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी एंड धरा। आगे चले, आगे तीसरा शब्द है हमारे सागर, तो सागर से संबंधित आप क्या लिख सकते हैं, समुद्र और जलधि। ओके जलधि, ओके। आगे देखो जल, जल का क्या हो जाएगा, पानी एंड नीर। पानी भी कहते हैं जल को और नीर भी कहते हैं। आगे की तरफ चले, आगे देखिए दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द लिखने हैं, विलोम यानी कि उल्टा, जैसे छोटे का बड़ा, ऊपर का नीचा, नीचे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों के आपको विलोम करने हैं। तो पहला क्या है, दानी। दानी का क्या हो जाएगा, कंजूस। दूसरा है सूखे। सूखे का क्या हो जाएगा, गीले। तीसरा है पानी। पानी का क्या हो जाएगा, आग। प्यास, प्यास का क्या होगा, भूख। आ गया बेटा समझ में, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे बेटा इसमें दे रखा है आपके कविता में तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तुक वाले शब्द जानते हैं ना, जिसको एक ही शब्द, तुकार शब्द जिसे कहते हैं, कि समान लय वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम तुकार शब्द कहते हैं। अब इसमें तुकार शब्द वाले जो शब्द है वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो तीन आप लिख लीजिए। जैसे बिजली रानी लिखेंगे और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, घटा सुहानी। उसी प्रकार से बादल दानी, फिर आप क्या लिखेंगे, बरसों पानी। इसके अलावा फिर आप लिखेंगे प्यासी गैया, आप लिखेंगे ताल तलैया, फिर लिखेंगे हैरानी दानी। इस तरह से और भी जो तुकात वाले शब्द है वो आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में बस इतना ही कर लेना, आप दो तीन शब्द इसके जो है वह आप कंप्लीट कर लेना है। आगे चलिए बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है, नीचे कुछ तुकार शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से कविता की आपको पंक्तियां जो हैं वे पूरी करनी है। ये वाली जो पंक्तियां हैं ना, ये कंप्लीट आपको करनी है। तो बेटा इसको पढ़ के और आपको कंप्लीट करनी है। अब जैसे इसमें दे रखा है, बादल आसमान पर छाए, धरती हो, धरती खुश हो मुस्कुराई, हवा चली ओ पत्ते डोले, लगा बजी जो शहनाई। अब इससे संबंधित अपन को क्या करना है, ये इसके जो कविता की जो कुछ पंक्तियाँ जो है वह अनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करनी है। तो पहला देखिए, घनन घनन घन गीत सुना जब खेत बहुत खुशहाल हुए। पहले में क्या लिखेंगे, खुशहाल हुए। दूसरा देखिए, दूसरे में है, और किसानों के मन की मन खुशियों से जी भर माला माल हुए। नेक्स्ट है, प्यासी धरती झूम उठी है, खुश है ताल तलैया जी। फिर आपके बच्चे खुश है बहा रहे हैं सब कागज कागज की नैया जी। फिर आपके पंख फैलाए मोर नाचता, चिड़िया खूब नहाती है, हरी हरी लताएं जब मन को खूब सुहाती है। फिर है चाय पकौड़ी के संग घर में वर्षा जश्न बनाते हैं, सच पूछो तो वर्षा के दिन हमको खूब लुभाते हैं। अब ये बेटा पूरी कविता कंप्लीट हो गई ना, दोबारा से एक बार इसको पढ़े अपन। देखिए, घनन घनन घन गीत सुना जब खेत बहुत खुशहाल हुए, और
और किसानों के मन खुशियों से जी भर माला माल हुए। प्यासी धरती झूम उठी है, खुश है ताल तलैया जी। बच्चे खुश है बहा रहे हैं सब कागज की नैया जी। पंख फैलाए मोर नाचता, चिड़िया खूब नहाती है। हरी लताएं लहराती जब मन को खूब सुहाती हैं। चाय पकौड़ी के संग घर में वर्षा जश्न मनाते हैं। सच पूछो तो वर्षा के दिन हमको बहुत लुभाते हैं। तो बेटा आ गई आपको समझ में कविता जो थी हमारी, कविता इज कंप्लीट। और तुकार जो शब्द थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके बेटा, आप बेटा आपको समझ में आ गया होगा भाषा व्याकरण से संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की और आप लोगों के पेरेंट्स की मेरे पास में थोड़ी कंप्लेन आई थी कि भाषा व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन के आंसर नहीं करवा रहे हैं। तो बेटा वो मैंने इसीलिए नहीं करवाए थे क्योंकि आपको व्याकरण में करवाना चाहती थी पहले और उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर करवाना चाहती थी। तो अब थोड़ी बहुत व्याकरण हो चुकी है, तो आप पहले पीछे वाले जो भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन के आंसर हैं बेटा, ये सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम न्यू चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट लेसन के अपने भाषा व्याकरण से संबंधित सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लेसन करेंगे और फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जितने भी लेसन कंप्लीट हो चुके हैं उन सबके हम कंप्लीट करने के बाद में ही हम अब आगे वाला लेसन कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।